हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। प्रीवियसली हमने क्या देखा था कि पहले हमने देखा था कि जो डार्विनिज्म है और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब हमने देखा था। और डार्विन ने ऐसा बोला था कि द नेचुरल सिलेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इवोल्यूशन बिकॉज द स्पीसीज हु इज फिट विच कैन सर्वाइव इन एनवायरमेंट और इन चेंजिंग एनवायरमेंट। सो जो स्पीसीज ऐसी है जो उसमें सर्वाइव करेगी वो आगे बढ़ेगी, जो फिट है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था, वही मैं आपको फिर से दोहराता हूँ कि अगर जो मेंडल थे, मेंडल ने आपको पता है कि इनहेरिटेंस के काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए थे मेंडल ने, और मेंडल ने वहाँ बोला था कि देयर इज़ अ फैक्टर अफेक्टिंग द इनहेरिटेंस, और जो इनहेरिटेंस होता है वो कुछ एक फैक्टर है जो कैरेक्टर को इनहेरिट करता है। लेकिन डार्विन ने वो फैक्टर के बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैंने पहले ही बोला था कि डार्विन और मेंडल अगर मिल जाते तो आज कुछ सिनारियो ही अलग होता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि मेंडल और डार्विन तो मिले नहीं, तो मेंडल ने बोला था कि कुछ फैक्टर है, लेकिन डार्विन ने उसे मिस कर दिया। डार्विन को पता नहीं था कि मेंडल क्या बोल के गया है, ऑब्वियसली। सो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, ये सारे जो नोटिस किए गए सारे फैक्ट्स, उनके बीच में एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी थियोरी दी कि ये इवोल्यूशन में ये एक मेजर पार्ट है जो वो सब मिस कर गए थे। तो द म्यूटेशन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में उन्होंने एक नया वर्ड दिया था और वो वर्ड था म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज अ सडन चेंज। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन एनिमल। अगर कोई डार्विन की थियोरी किस पे थी कि नेचुरल सिलेक्शन पे थी, उन्होंने ऐसा बोला था कि जैसे जैसे नेचुरल सिलेक्शन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नेचर सिलेक्शन होता जाएगा, वैसे वैसे एक जनरेशन के बाद दूसरी जो जनरेशन आती है, दे हैविंग द मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स, दे हैविंग द मोर स्पेशल कैरेक्टर और एडेप्टिव कैरेक्टर जो उनके पास ही है, सो दैट्स वाई दे आर फिट। सो दे गेट सम वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दे गेट सम वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बट हियर द युगोदेवरिस इज नॉट एग्री विथ द डार्विन। He says that mutation is the only key for evolution. क्यों? क्योंकि mutation है वो एक parents से दूसरे जब progeny में जाता है, दूसरे parents sorry दूसरे offspring में जाता है जब parents से, तब ये जो mechanism होता है mutation का वही evolution करता है, क्योंकि mutation से ही sudden variation आता है, suddenly the new species arise or a new species form फ्रॉम दी पेरेंट स्पीसीज। सडनली एक अगर पेरेंट्स में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है और सडनली दूसरा कैरेक्टर आ जाता है चाइल्ड में, पेरेंट्स में से, यानी पेरेंट्स में कुछ ऐसा जीनेटिक म्यूटेशन होता है कि जिसकी वजह से चाइल्ड में वो कैरेक्टर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। लेकिन ये सडन चेंज होता है। वेरिएशन का क्या, वेरिएशन का क्या होता है कि वेरिएशन काफ़ी स्लो प्रोसेस है, वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी, वो कंटिन्यूस प्रोसेस, वो एक सडन नहीं होता है। वेरिएशन धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, वेरिएशन सडन चेंज नहीं होता। ऐसा कैसा होता है कि एक चाइल्ड के बाद दूसरा, दूसरे के दूसरा प्रोजेनी के बाद तीसरी जनरेशन, उसके बाद फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। मैंने आपको वो बर्ड का और एग्जांपल दिया था कि बैक्टीरिया में सडन होता है क्योंकि बैक्टीरिया की काफ़ी जनरेशन आ जाती है, लेकिन बर्ड्स और मैमल्स में ऐसा नहीं होता, उसमें काफ़ी वक्त लगता है इवोल्यूशन होने में। लेकिन यहाँ पे युगोदेवरिस ऐसा बोल रहे हैं कि जो सडन जो चेंज आ रहा है, नई स्पीसीज बन रही है, द न्यू स्पीसीज इज अराइज फ्रॉम द म्यूटेशन ओनली। सो म्यूटेशन से ही वो नई स्पीसीज बन रही है, और ओरिजिन जो स्पीसीज का नया हो रहा है वो म्यूटेशन से होगा, क्योंकि म्यूटेशन के बाद जो स्पीसीज बनेगी वो स्पीसीज एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए वेरी कैपेबल फॉर द सर्वाइवल, वो कैपेबल होगी क्योंकि पेरेंट्स ने म्यूटेशन के बाद वो बनाए। लेकिन म्यूटेशन इज अनडायरेक्शनल, म्यूटेशन का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो रैंडम होता है, वो ऐसे ही हो जाता है म्यूटेशन। अगर एक पेरेंट्स में से अगर चाइल्ड में आता है तो वो रैंडम ऐसे ही म्यूटेशन हो जाता है। देयर इट इज डायरेक्शनलेस, इट इज अनडायरेक्टेड। बट वेरिएशन जब आ रहा है, होता है, तब हम उस स्पीसीज को देख के
अगर उसकी प्रोजेनी को देख के हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वी कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल, कि वो अब इंडिविजुअल का जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वेरिएशन और द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन इज डायरेक्शनल. उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये यस दिस इज द चेंज, कि ये चेंज होगा जो उसकी आगे की प्रोजेनी में ऐसा हो जाएगा. हम बोल सकते हैं ना कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है. फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी की एक पेरेंट्स है उसकी हाइट है तो उसके बच्चे की हाइट कम हो रही है, उसके बच्चे की हाइट और कम हो रही है, उसके बच्चे की हाइट और कम हो रही है, तो हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है. तो हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि धीरे 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 उसकी हाइट कम हो रही है, तो वो हम डायरेक्शनल बोल सकते हैं कि ये इनहेरिटेंस डायरेक्शनल है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है. सो दिस इज दी डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएशन एंड म्यूटेशन. वेरिएशन है वो डायरेक्शनल है, उसको हम बोल सकते हैं कि आफ्टर द जनरेशन ऑनवर्ड्स द जनरेशन ये ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा. लेकिन म्यूटेशन तो रैंडम है, वो डायरेक्शनलेस है. तो म्यूटेशन में हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. हमको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि ये म्यूटेशन है और इसमें ये हुआ है, इसकी वजह से आगे जाके ऐसा रैंडम कोई भी कैरेक्टर आ सकता है. वो अब यहाँ पे दो ऑप्शन, जब म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्वाइव करने के लिए कैपेबल ना भी हो. बराबर, इट कांट सर्वाइव इन एनवायरमेंट बिकॉज इट इज अ सडन चेंज एंड रैंडम. सो समटाइम्स म्यूटेशंस आर लिथल, वो हार्मफुल होता है. समटाइम्स म्यूटेशन इज लिथल, हमारे में भी ऐसा होता है. ह्यूमन बींग्स में काफ़ी लिथल जीन भी होता है जो म्यूटेंट, और काफ़ी नॉर्मल जीन है जो म्यूटेंट हो जाता है, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. तो ऐसा भी होता है कि म्यूटेंट हो जाते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो म्यूटेंट होने से डेथ भी हो सकती है, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता. म्यूटेंट काफ़ी हर बार की तरह मौत उसका डेथ नहीं होता, वो सर्वाइव भी कर जाता है और अच्छी तरह से सर्वाइव करता है और काफी डोमिनेंट भी हो जाता है एनवायरनमेंट में. ऐसा भी होता है कभी कभी. तो दिस इज द म्यूटेशन थियोरी विच गिवन बाय द ह्यूगो द व्रिस. ये नाम काफी बड़ा है, मैंने काफी छोटा लिख रखा है लेकिन ये नाम काफी बड़ा है, ह्यूगो द व्रिस. ह्यूगो द व्रिस ने पहले बोला था कि म्यूटेशन इज देयर. सो ह्यूगो द व्रिस को आपको खास याद रखना पड़ेगा. ह्यूगो द व्रिस की थियोरी काफी फेमस है और उसने डार्विन को चैलेंज किया कि ये जनरेशन बाय जनरेशन नहीं चलेगा. इस ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशन की वो सडन है, यानी एक जो अभी एनिमल सर्वाइव कर रहा है वो सडन चेंज होके उसको नया बन जाएगा और नई स्पीसीज अराइज करेगा. तो दिस इज द थियोरी ऑफ द ह्यूगो द व्रिस और म्यूटेशन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन. तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में म्यूटेशन इज अ वन मेजर पार्ट और दे टेक अ मेजर रोल इन इवोल्यूशन. वो काफ़ी सारी स्पीसीज में चलेगा और काफ़ी सारी स्पीसीज में होगा. सो हम आगे बढ़ते हैं कि अब इवोल्यूशन को हम एक ऐसे ट्रैक पे ले जाते हैं कि उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, जो मैंने पहले ही बोला था कि उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, वो है जीनेटिक्स. उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? जीनेटिक्स जुड़ा हुआ है. अब जब हम इवोल्यूशन की बात करेंगे तो हम कोई इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, हम पॉपुलेशन की बात करेंगे. तो अब हम जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो ट्रैक का नाम होगा पॉपुलेशन जीनेटिक्स. ये आपको बहुत छोटा नाम लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा लेकिन इंटरेस्टिंग है. लेकिन ये जब पूरा पॉपुलेशन को साथ लेके चलता है तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन जीनेटिक्स अगर हम कोई एक जीन के बारे में और एक जीन की फंक्शन के बारे में भी देख ले तो भी काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे तो हम पॉपुलेशन जीनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है. लेकिन अभी हम सब वो भूल जाएंगे, अभी हम मेंडल को याद करेंगे. सिंपली मेंडल को आप अगर इसके आगे का चैप्टर पढ़ के आए हैं और अगर आपने आगे का चैप्टर नहीं पढ़ा तो सिर्फ आपको 10th का याद होगा, और यानी आगे के जो स्टैंडर्ड्स थे वो अगर आपको याद हो तो आपको मेंडल ने दो एक्सपेरिमेंट मेजर किए थे. एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा था डाईहाइब्रिड क्रॉस. ये आपको मालूम होगा. मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम अगर एग्जांपल देखें तो उन्होंने देखा था कि एक टॉल प्लांट था जिसके लिए दो फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, सॉरी सिंगल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल इन होमोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी विच क्रिएट द टॉल प्लांट, विच प्रोड्यूस द टॉल प्लांट.
And the same another plant, which is dwarf or short plant, which is dwarf, उसके लिए क्या responsible था? Small t in homozygous condition means small t are present in homozygous, double digit में, sorry double में, double में present होगा, वैसे ही ये capital T भी double में present होता है, यानी generally जो gene होते हैं वो उसके double पैर में होंगे, यानी homozygous condition में, तो उसमें उन दोनों का जो हम cross करेंगे, तो उन दोनों के cross के बाद capital T small t आएगा, ये प्लांट टॉल होगा और उसकी जो जीन कंडीशन है वो हिटरोजाइगस हो जाएगी, यानी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ये एक सिंपल एग्जांपल है। अभी मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अगर आपको मालूम है तो, व्हाट इज एलील? एलील क्या है? एलील मींस नथिंग, एलील मींस जीन, जीन ही उसको जीन को ही एलील बोलते हैं, लेकिन एलील है क्या? बहुत सिंपल बताता हूं। अ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन अ सेम लोकस ऑन क्रोमोसोम, इट्स कॉल्ड एलील्स। मींस अगर कोई क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम की पैर है और उस क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे जो जीन आपको दिखेगी, इस क्रोमोसोम पे भी सेम जो लोकस पे क्रोमो जीन होगा, जीन के लोकाई बोलते हैं उसको, लोकाई भी बोलते हैं, लोकस, लोकस मींस लोकेशन ऑफ जीन, उसको लोकस और लोकाई बोलते हैं। तो जो होमोलोगस पैर का जो क्रोमोसोम होगा, उस एक क्रोमोसोम पे जो जीन की जगह होगी, वही उसके सेम क्रोमोसोम पे जो जगह होगी, उसको हम एलील बोलते हैं। एलील को हम ऐसा भी बोलते हैं, उसको हम गुजराती में और हिंदी में वैकल्पिक कारक बोलते हैं, वैकल्पिक फैक्टर, बराबर। तो वो क्या है, यानी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर एलील्स ऑफ ईच अदर। समझ में आ रहा है? बहुत खूब, मैं आपको बहुत सिंपल करके दे रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर एलील्स, मींस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है वो दोनों सेम लोकस पे हैं, क्रोमोसोम पे उसका लोकेशन है वो सेम है, यानी दोनों एक दूसरे के एलील्स है। अब एलील्स है तो उसका कैरेक्टर सेम हुआ, यानी आप देखिए कि उसका कैरेक्टर है वो है प्लांट की हाइट, लेकिन उसके ऑप्शन दो है, उसके ऑप्शन दो है, एक या तो वो प्लांट टॉल है और या तो वो प्लांट ड्वार्फ है। तो बे तमने, सॉरी हिंदी इंग्लिश, ओके, सो आपको दो प्लांट मिलेंगे, एक प्लांट है जो टॉल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैपिटल टी है, एक प्लांट स्मॉल है ड्वार्फ है उसके लिए स्मॉल टी है। तो ये दोनों है एक दूसरे के एलील से, यानी कैरेक्टर एक ही है कि हाइट ऑफ प्लांट, तो एक टॉल है एक स्मॉल है, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्शंस है, ये दोनों ऑप्शंस को एक दूसरे के एलील्स बोलते हैं। यानी जो इंडिविजुअल अभी कोई सर्वाइव कर रहे हैं, यानी अगर मैं कोई गार्डन लूँ और गार्डन में कोई 100 प्लांट है स्वीट पी के, तो वो 100 प्लांट में से मैं ऐसा एजम्पशन कर सकता हूं कि 50% प्लांट है वो टॉल है और 50% प्लांट है वो ड्वार्फ है, या बोल सकते हैं, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 50% ऑफ पॉपुलेशन is a tall plant and the another rest of the population are dwarf plant। यानी जो जीन फ्रीक्वेंसी है, यहां मैं अभी एक और वर्ड सॉरी यूज कर रहा हूं, जीन फ्रीक्वेंसी, यानी 50% फ्रीक्वेंसी है वो एक जीन की है और बाकी की 50% वो दूसरी जीन की है। यानी हम कोई पॉपुलेशन देखे तो पॉपुलेशन में प्रेजेंट जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट होती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हार्डी वेनबर्ग। फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, इफ अगर हम जो कोई ऐसी पॉपुलेशन देखे जिस पॉपुलेशन में जीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो जीन फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज कांस्टेंट इन एनी पॉपुलेशन, इट्स कॉल्ड हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला था कि जो जीन की फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी है एलील्स की, जो फ्रीक्वेंसी है प्रेजेंट होने की कोई पॉपुलेशन में वो कितनी होती है, यानी हम ऐसा बोले कि अगर ये 50 और 50 कितना हो गया 100%, यानी ये कांस्टेंट हो गया। यानी उसने ऐसा बोला था कि अगर इसको मैं 0.5 लूं कैपिटल टी को और स्मॉल टी को 0.5 लू, यानी इज इक्वल टू 1, 1 इज अ कांस्टेंट नंबर,
तो यानी वन इज अ कॉन्स्टेंट। अगर मैं इसको इसी और तरीके से देखूं तो यानी मैं के पी को पी नहीं लिखता, सॉरी ये टी को मैं पी लिखता हूं और स्मॉल डी को क्यू लिखता हूं, तो क्यू प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। दिस इज द मेन इक्वेशन विच इज गिवन बाय हार्डी एंड विनबर्ग। दिस इज द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कि कोई भी जीन फ्रीक्वेंसी होती है जो एलील्स की, विच आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट वन। यानी इसका अब जब वो रिप्रोड्यूस करेगी, अगर वो जो एक एलील और दूसरा एलील वाली जो स्पीसीज है वो रिप्रोड्यूस करेगी तो हमको एक और रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट है ये। यानी इसको हम ऐसा बोलते हैं कि ये हमको मिला पी पी क्यू। देखिए ये हमको क्या मिला, पी क्यू। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो आपको इक्वेशन मालूम है, आप मैथ्स पढ़े हुए होंगे ऐसा मैं एजम्पशन कर रहा हूं कि आप आई होप यू वेर स्टडिंग मैथ्स। पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। गुजराती में हमारे क्या है, विस्तरण, बरोबर। तो दिस इज द इक्वेशन। सो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। वन इज अ कॉन्स्टेंट, अगर इसका भी स्क्वायर करेगा वन का स्क्वायर वन ही आएगा। सो दिस इज द रिजल्ट। एंड वॉट इज दी ये टू पी क्यू क्या आपको दिखाता है? सो टू पी क्यू दिखाता है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलील्स। यानी अगर आप कोई भी पॉपुलेशन देख लो तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा इन पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, कि जो फ्रीक्वेंसी है अगर हम उसमें सम फैक्टर्स जो इसको इफेक्ट करते हैं ये प्रिंसिपल को, उसको हम नहीं गिने तो की बात कर रहा हूं, वो फैक्टर मैं आपको अभी बताता हूं। लेकिन प्रिंसिपल क्या है आप पहले देख लीजिए, पता चल गया प्रिंसिपल क्या है। ये मैंने आपको मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल लेके आपको बताया है, इट इज अ सिंपल एग्जाम्पल। यानी अब इसके आगे आप पी टू में जाएंगे तो वो भी आप सॉरी एफ टू में आप जाएंगे ऑफ स्प्रिंग टू, तो वो भी आपको पता है कि कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी मिलेगा, तो वो भी आपको मिलेगा इसी इक्वेशन में। यानी अगर मैं इसमें अगर नंबर डाल दू, यानी मैं इसमें नंबर डाल दू, इसमें मैं 0.5 डालता हूं, देखिए खास देखिए, अगर मैं इसमें 0.5 डालता हूं तो 0.5 का जो स्क्वायर है वो प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 प्लस फिर से 0.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं अब आपको रिजल्ट दिखाता हूं, तो 0.5 को हम कितना हो गया 0.25 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1। मिल गया रिजल्ट आपको, ये सिंपल मैथ्स का इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है जो आप बहुत कम स्टैंडर्ड में पढ़े थे, लेकिन अभी ये कितना यूजफुल है। अगर आप F2 देखिए इसकी F2, तो आपको रिजल्ट क्या मिला था, कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल डी ये देख लीजिए 1:2, 2:1 जीनोटाइप देख लीजिए, जीन फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है तो आपको रिजल्ट मिल सकता है कि कोई भी पॉपुलेशन, ये तो हमने स्वीट पी प्लांट की बात की जिसमें मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो यहां पे आपको रिजल्ट मिल रहा है एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ हार्डी एंड विनबर्ग। हार्डी एंड विनबर्ग बोथ आर दी ग्रेट साइंटिस्ट एंड दे आर, मैं तो ऐसा बोलता हूं दे आर मैथमेटिशियन, क्योंकि उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी जीन फ्रीक्वेंसी के लिए जो इक्वेशन दिया वो यहां परफेक्ट है, हमने देख लिया ये जो परफेक्ट है। यहां कोई भी पॉपुलेशन आप नहीं, ये तो मैंने प्लांट की पॉपुलेशन ली, यहां आप कोई भी पॉपुलेशन ले, अगर वो ऐसे ही पॉपुलेशन स्टडी में पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आप देखें तो वो क्या है, यानी कोई भी पॉपुलेशन है उसमें जो जीन की फ्रीक्वेंसी है ऑफस्प्रिंग में आने की वो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगी और उसके जो इक्वेशन है वो क्या है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूं पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये उसकी जीन फ्रीक्वेंसी है, यानी जीन फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है। पता चल गया आपको, बहुत सिंपल है, पता चल रहा है? तो दिस इज द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। अभी सर हम जो जिसके बारे में अब बोल रहे हैं वो थोड़ा ऐसा है
कि सर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल तो हमको समझ में आ गया कि अगर कोई पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में हम जीन की फ्रीक्वेंसी देखें तो वो जीन फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट मिलती है, ये हमको पता चल गया है, बहुत इजी है, वो हमने देख लिया सर कि उसका इक्वेशन क्या है और कैसे उसका रेशियो मिलता है, ये इसका एग्जांपल है। ये एग्जांपल आपको बुक में नहीं दिया गया है तो ये मैंने आपको सेट किया है, तो ये आपका रेफरेंस के लिए है, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, पता चल गया। ओके, वैसे मेरे हैंड राइटिंग बहुत खराब है, आप लोगों को मालूम है। तो आगे बढ़ता हूं, तो अब आपको हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी जीन फ्रीक्वेंसी, तो वो जीन फ्रीक्वेंसी आर कांस्टेंट, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, आप शायद अभी गुस्सा करेंगे या आपको थोड़ा कंटाला आएगा क्योंकि ये मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीन फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज कांस्टेंट वन। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं बात करता हूं उसके बारे में जो अभी बहुत आपको इरिटेट करेगी। वो बात यह है कि सर आपने तो बोल दिया कि प्रिंसिपल में जीन फ्रीक्वेंसी आर कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ओके सर, मैं ऐसा बोलूं कि कोई एक पॉपुलेशन है उसमें अभी जैसे कोरोना वायरस है वैसे ही अगर कोई डिसीज आ गया, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, अगर कोई डिसीज आ गया और सडनली इफ द 30% पॉपुलेशन विल लॉस्ट, देन हम जीन फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हम ऐसे ही कोई डिजीज आ गया और हम ठान ले कोई एक गांव है वहां 10,000 लोग रहते हैं और सडनली किसी ने बम गिरा दिया, ऐसा होता नहीं, सडनली मैं ऐसा बोल रहा हूं कि किसी ने बम गिरा दिया तो 30% ऑफ पॉपुलेशन मर जाएगी। 30% ऑफ पॉपुलेशन अगर चली जाएगी तो जीन फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहेगी? मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, रहेगी या नहीं रहेगी? सो नहीं रहेगी। यानी ये जो चीज है वो क्या है सर कि जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहने देती, यानी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और उस पर कौन इफेक्ट करता है? तो देर आर फाइव फैक्टर्स विच अफेक्टिंग दी जीन फ्रीक्वेंसी, आपको लिखना है तो आप लिख लो, मैं यहां पर लिख रहा हूं। पांच चीजें ऐसी है जो जीन फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करती है। सबसे पहली चीज है वेरिएशन, जो आपको जनरेशन बाय जनरेशन मिलता है वेरिएशन। ओके, मैं एक बार देख लेता हूं, सॉरी, सो वेरिएशन इज द की। बट वेरिएशन में क्या है कि वेरिएशन तो जनरेशन बाय जनरेशन आएगा, तो ये वेरिएशन ऐसा होगा कि वो बहुत माइनर होगा, तो सो उससे इतना ज्यादा इंपैक्ट इस पे नहीं आएगा फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन ये वेरिएशन किसकी वजह से आता है अगर हम वो देखें, तो फर्स्ट मैं आपको बोलता हूं कि वो आता है म्यूटेशन से। म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आता है, तो म्यूटेशन इज अ सडन चेंज, मैंने अभी भी बोला म्यूटेशन इज अ सडन चेंज। जो अगर म्यूटेशन आएगा तो जीन में काफी सारे बदलाव आएंगे, वही म्यूटेशन है। म्यूटेशन क्या है कि जीन में सडन बड़ा बदलाव, तो वो क्या लाएगा? इस फ्रीक्वेंसी में अल्टरेशन लाएगा, इस फ्रीक्वेंसी को बदल देगा। दूसरा हम ले तो उसको हम बोलते हैं जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या है? अगर कोई पॉपुलेशन एक गांव में 10,000 पॉपुलेशन है, 10,000 लोग रहते हैं और सडनली 10,000 में से 1,000 लोग है वो माइग्रेशन कर जाते हैं, इसको माइग्रेशन ऑफ जीन भी बोल सकते हैं, वो सडनली माइग्रेशन कर जाता है बीजे दूसरे गांव में। ओके, दूसरे कहीं पे चले जाते हैं, तो 10,000 पॉपुलेशन में 1,000 काफी लोग होते हैं, वो जीन फ्रीक्वेंसी को सीधा अफेक्ट करेंगे क्योंकि अब जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि पॉपुलेशन कम हो गई है। तो दिस इज द जीन फ्लो। अगर कोई हिरन का ग्रुप है वो यहाँ पे रहता है वहां पे रहता है और हिरन काफी दौड़ के अगर दूसरे हैबिटेट में चले जाएंगे तो वहां जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा ड्यू टू जीन फ्लो, यानी जीन माइग्रेशन। अभी जो थर्ड नंबर है वो है जीनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है जीनेटिक ड्रिफ्ट। तो जीनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से
जो चेंज आएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है। मैंने अभी अभी आपको बोला कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ यूनिक फिनोमेना कि जिसमें कोई जीन है वो सडन चेंज होता है, सडन चांस टू चेंज, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। सडन चांस टू चेंज यानी अगर कोई पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है और ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक यानी हमारे वजह से कोई इफेक्ट हो रही है, तो वो क्या होगा कि वो पॉपुलेशन सडन अल्टर हो जाएगी, वो पॉपुलेशन में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे, उसके नंबर ऑफ स्पीसीज है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो कम हो जाएंगे, उसकी वजह से काफ़ी सारे बदलाव आएंगे, तो उसको हम जीनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ओके, सो जीनेटिक ड्रिफ्ट में काफ़ी सारे चेंजेस है, इट इज़ अ सडन चेंज। अब एक और ऑप्शन है जीनेटिक ड्रिफ्ट में, जीनेटिक ड्रिफ्ट में दो इफेक्ट आती है, एक होता है बॉटल नेक इफेक्ट जो आपको बुक में नहीं दी गई है, फिर से बोल रहा हूँ बॉटल नेक इफेक्ट, वो उसके बारे में मैं डिटेल नहीं जाऊँगा क्योंकि उस वो आपको नहीं दी गई है, बाकी जब हम नीट में प्रिपरेशन करेंगे और या बाकी सब बोलेंगे तब ने बॉटल नेक मैं आगे जाऊँगा, लेकिन वो आपको नहीं दी गई है। आपको जीनेटिक ड्रिफ्ट के जो रेफरेंस में दी गई है वो है फाउंडर इफेक्ट, वो क्या है फाउंडर इफेक्ट। व्हाट इज फाउंडर इफेक्ट? जब कोई पॉपुलेशन में जो जहां पे लोग रहते हैं और जहां पे इंडिविजुअल और एनिमल रहते हैं वहां से समहाउ कोई एक या दो और बहुत ही लेस नंबर है वो कहीं पे भी चले जाते हैं और somehow they start reproduce in other places, so they found a new species or in their habitat or वो नए habitat में वो जो species होगी वो founder species होगी, इसलिए उसको founder effect बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक limitation है, हम जब population genetics की जो small population होती है एक जो large population होती है, अगर large population में genetic drift होगा तो उसकी effect जीन फ्रीक्वेंसी में बहुत दिखेगी नहीं, ये एक बात मैं आपको बता दूं जो बुक में नहीं लिखी, बुक में शायद ही है मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह बात आपको मैं बता दूं कि जब स्मॉल पॉपुलेशन होगी तब स्मॉल पॉपुलेशन में ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो काफ़ी अफेक्ट दिखाएगा, लेकिन जब लार्ज पॉपुलेशन की बात आप कर रहे हैं तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में काफ़ी स्मॉल स्मॉल चेंजेस आते हैं, यानी वो पूरा एनिमल का जीन फ्लो नहीं होता, बराबर है, तो उसकी वजह से वो लार्ज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट का कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा, यानी जीन फ्रीक्वेंसी बहुत चेंज नहीं होगी। ओके, देन फोर्थ पार्ट जो है वो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन। इसमें क्या होता है कि जब आपको पता है कि ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग में और ह्यूमन बीइंग और एनिमल में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। अब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस प्रोसेस, तो ये मियोसिस में जब जीन आपको पता है कि क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं और ये सब हो रहा है तब जीन में कोई चेंज आ जाएगा, उसकी वजह से नए जीन कॉम्बिनेशंस बनेंगे, नए क्रोमोसोम कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, और जब ये नए जीन कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वो इस फ्रीक्वेंसी को अल्टर्ड करेंगे, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो ये भी है कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन वो इस जीन फ्रीक्वेंसी को अल्टर्ड करेगी। और आगे लास्ट जो फिफ्थ फैक्टर है वो काफी हद तक अलग है क्योंकि इसके बारे में आप जानते हैं, यह है नेचुरल सिलेक्शन। अब आप बोलो, अब ये आपको थोड़ा सा हजम नहीं होगा कि सर नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है सर वो तो जनरेशन बाय जनरेशन आता है, अगर कोई नेचर में ऐसा चेंज आएगा और जो फिट होगा वही सर्वाइव कर सकता है सर, तो फिट होगा तो वो अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस करेगा, अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस करेगा यानी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन बनाएगा, अब इतनी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो उसमें जीन फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा अल्टर्ड नहीं हो सकती सर, मैं ऐसा मानता हूँ नेचुरल सिलेक्शन कैसे अफेक्ट करता है जीन फ्रीक्वेंसी को, क्वेश्चन है ना। लेकिन
यही बात है कि जीन फ्रीक्वेंसी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से काफ़ी अफेक्ट करेगी, क्योंकि अगर कोई एनवायरमेंट में चेंज आया तो जो जीन फ्रीक्वेंसी आगे से चली आ रही है तो उसमें जो अनफिट एनिमल भी होंगे वो जीन पूल में। अब जीन पूल क्या है वो मैं आपको बताना भूल गया हूं, अभी मैं वो भी बोल देता हूं। जीन पूल, व्हाट इज जीन पूल? जीन पूल इज अ इट इज अ होल जीनोम ऑफ होल जीन्स ऑफ सॉरी जीन्स ऑफ होल पॉपुलेशन, उसको जीन पूल बोलते हैं। जब हम पूरी पॉपुलेशन के जीन को इकट्ठा करेंगे, पूरे पॉपुलेशन के जीन को एक करेंगे तो उसको जीन पूल बोलेंगे। सो अब जब हम जीन पूल की बात कर रहे हैं, तब जब वो जीन पूल में तो सभी स्पीसीज होंगे, फिट और अनफिट सभी। अब जब नेचर में कोई ऐसा सडन चेंज आएगा कि जो अनफिट एनिमल्स है, अनफिट इंडिविजुअल्स है, अनफिट ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो वो मर जाएंगे। अगर कोई नेचर में सडन चेंज आया तो जब वो सिर्फ फिट है एनिमल ही रहेंगे, तो फिट एनिमल में जो जीन्स होंगे वही आगे बढ़ेंगे, तो अनफिट एनिमल में जो जीन थे वो तो चले जाएंगे, तो वो जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी नहीं। इसीलिए ये नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब नेचुरल सिलेक्शन में आप देखेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन की जो डायरेक्शन है वो कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हमको पता ही नहीं चलता कि कैसे हुआ। नेचुरल सिलेक्शन में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। आपकी बुक अगर आप देखें तो उसमें, आप ध्यान से देखें तो उसमें ये एक चार्ट है जो नॉर्मल है। अब नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आपको तीन टाइप के चार्ट दिखेंगे। एक अगर आप चार्ट देखें तो जो नॉर्मल चार्ट से उससे आपको नैरो मिलेगा और पीक हाई मिलेगी, यानी जो एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स है जो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वो तो एनिमल में है ही, वो हाई लेवल पे है, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए जो फर्स्ट चार्ट है उसको बोलते हैं स्टेबिलाइजिंग, यानी जो पहले जो चार्ट था वही चार्ट है, वही कैरेक्टर्स है, वो एनिमल वही सर्वाइव कर रहा है लेकिन नैरो कंडीशन में, यानी उसकी जो एनवायरमेंट सिचुएशंस है उसकी वजह से वो स्टेबल हो चुका है, यानी एनिमल कैरेक्टर वैसे ही है, उसकी जीन फ्रीक्वेंसी भी वैसी ही है। अब आप दूसरा देखें तो दूसरा है डायरेक्शनल। हम वो डायरेक्शन को देख सकते हैं कि कहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है और जीन्स में कैसे कैसे चेंज फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, वो हम देख सकते हैं, डायरेक्शनल है। इसीलिए वो चार्ट है वो पहले जैसा ही मिलेगा, ओके। और आपको कोई एक डायरेक्शन में पीक मिलेगी कि वही पीक जा रही है जहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के जो कैरेक्टर्स है वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो थर्ड नंबर का है वो डिसरप्टिव है, यानी वो विनाशक है, वो अभी अफेक्ट, क्योंकि इसमें आपको दो पिक मिलते हैं, यानी ऐसा होता है कि कोई एनिमल से वो सडनली उसका पिक मिलता है लेकिन थोड़े समय बने के बाद वो एनिमल की पॉपुलेशन एकदम कम हो जाती है, उसकी जीन फ्रीक्वेंसी भी डिस्टर्ब हो जाती है और फिर से वो एनिमल फिर से ग्रो करेंगे और फिर से वो अपने हाई कैरेक्टर में आएंगे और फिर से वो पिक पर आ जाएंगे। तो इसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन है जो एनवायरमेंट उस पर इफेक्ट करता है, उसकी वजह से उसमें बदलाव आते हैं। ये बदलाव तीन टाइप के बोले थे मैंने, तीन टाइप के बोल रहा हूँ। एक स्टेबिलाइजिंग हो गए जो स्थिर है, जो संतुलित है, वही पिक जो आपको पहले मिल रही थी वही मिल रहा है। एक डायरेक्शनल है जहाँ पे आप डायरेक्शन बता सकते हैं कि यहाँ पे एनवायरमेंट का चेंज हो रहा है, इसी वजह से जो एनिमल है और जो इंडिविजुअल है उसके कैरेक्टर में ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है, उसकी जीन फ्रीक्वेंसी में ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है। और तीसरा है डिसरप्टिव है, जो कम हो जाएगी पॉपुलेशन उससे फिर ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे चेंजेस आएंगे तो वो डिसरप्टिव हो जाएंगे। लेकिन इस डिसरप्टिव में वो वैसा ही जीन और वैसा ही कैरेक्टर जो पहले थे वो पा सकेंगे नहीं, ये आप खास नोट कीजिए। वो पहले जैसे कैरेक्टर्स, पहले जैसे पॉपुलेशन तक, पिक तक पहुंच पाएंगे नहीं, इसलिए उसका नाम डिसरप्टिव है। वो बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी। ये तीनों चार्ट आप ध्यान से देखिए, ये तीनों चार्ट में दिखाया गया है कि अगर एक बार बढ़ेगी तो दूसरी बार फिर से कम हो जाएगी, एक बार बढ़ेगी तो दूसरी बार कम हो जाएगी। ये इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन, कि जब नेचर में चेंज आएगा और नेचर में एनिमल जब सर्वाइव करेगा और फिट होने की कोशिश करेगा तो वो कैसे कैसे अपना कैरेक्टर्स को हाई करेगा, अपने जीन्स को स्टेबल करेगा और फ्रीक्वेंसी में कैसे कैसे चेंजेस होंगे। सो दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन। ये पांच चीज़ है, म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ
जीन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये पांच चीज है जो हार्डी विनबर्ग के जो प्रिंसिपल है जीन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, उसको अल्टर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं और उसको कांस्टेंट नहीं रख सकते। सो ये पांच चीज। और मैं आपको बता दूं कि जीन फ्रीक्वेंसी काफी हद तक कांस्टेंट रह सकती है जब तक ये पांच चीज है उसमें अफेक्ट नहीं करती। लेकिन ये भी बता दूं कि अगर इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट है तो ये पांच चीजें भी अफेक्ट करेंगी, यानी बहुत कम टाइम तक। ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट जीन फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, वो रहेगी लेकिन काफी कम टाइम तक रहेगी, वो ज्यादा टाइम तक वो कांस्टेंट रह सकती नहीं है, यही बात बताई गई है। तो ये आपको हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, उसके फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे और म्यूटेशन क्या है वो आपको पता चल गया होगा। जीन पूल के बारे में फिर से बता देता हूँ। जीन पूल इज अ सम ऑफ और टोटल जीन ऑफ ऑल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो पूरा जीन है उसको जीन पूल बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एंड दिस इज द म्यूटेशन, ह्यूगो द व्रिस ने बोला था, ये सारी बातें हैं। आप बुक में देख लीजिए, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर से बोलना। ओके, बाकी सब कॉमन है, वो डार्विन की बात दूसरी बार की होगी, नेचुरल सिलेक्शन आया है इसलिए, वो आप देख लीजिएगा। सो यहाँ पे हम रखते हैं। ओके।